जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन आंसर को आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। इसके थ्योरी में हम लोगों ने देखा है प्रमुख नगरों के बारे में, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है 10 प्रमुख नगर हैं और ये भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित हैं। तो भारत में स्थित जो जो प्रमुख नगर हैं उनके बारे में देख रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो भी नगर है वो देखिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हड़प्पा हड़प्पा पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल भारत के गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सुतकांगेडोर पाकिस्तान में, कोटदीजी पाकिस्तान में, चंदहूदड़ो पाकिस्तान, सुतकांगेडोर आपका गुजरात में स्थित है। इसी के साथ हम लोगों ने जो देखा कि भारत में भी लेटेस्ट यूनेस्को में सम्मिलित हुआ धौलावीरा है, वो भी गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है, वहाँ से कुछ प्रतीक चिन्ह मिले हैं। चलिए मित्रों, हम लोग आप ये देखिए, यहाँ पे एक मैप है। मैप में हम लोगों ने देखा था कौन सा स्थल कहाँ पे स्थित है और इसी के साथ हम लोगों ने, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कौन सा स्थल कहाँ पे है। इधर आपके सामने दिख रहा होगा, इधर आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुकांगेडोर और आपका धौलावीरा, सुपोर्दा, रंगपुर, कालीबंगा, बनवाली, बालू, इधर आपका मांडा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी प्रमुख नगर हैं आपके सामने दिख रहे हैं। चलिए मित्रों, आगे चलते हैं और हम लोग देख रहे हैं इधर मनका। हम लोगों ने देखा था कि मनका क्या होता है, इनका क्या उपयोग होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, घरेलू उपयोग के लिए, एक सजावटी उपयोग के लिए, एक कुछ तरावरा पीने के लिए। कुल मिला के 3 प्रकार इनको कह सकते हैं। इन्हें मृदभांड भी कहते हैं। आपके सामने दिख रहा है मृदभांड। आपके सामने एक आकृति दिख रही है जो कि धौलावीरा से प्राप्त आकृति है और इसमें कुछ प्रतीक चिन्ह है, उसके गेट पे बना हुआ है ये चिन्ह है। इन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसमें क्या लिखा है। इसके साथ हम लोगों ने देखा कि दाढ़ी वाले बाबा पुजारी की हम लोगों ने मूर्ति देखी जो कि आधी बनी हुई मूर्ति है। ये आदमी अपने दाएं हाथ में कुछ पहने हुए है ताबीज की तरह और अपने माथे पे एक पट्टी बांधे हुए है। दाढ़ी बहुत सुंदर तरीके से इसकी बनाई हुई है। साल इसने पहना हुआ है, उसमें डिजाइन बना हुआ है तिपतिया आकार का। आंखें आधी बुनी हुई हैं, लग रहा है कि ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ आदमी है। हम लोगों ने कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति को देखा। अब देख रहे हैं ये नग्न मूर्ति है और इसने अपने दाएं बाएं हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई है और दाएं हाथ में ताबीज और कंगन पहना हुआ है। इसी के साथ हम लोग देख रहे हैं महान स्नानागार। ये आपका सिंधु घाटी का महान स्नानागार है, इसमें लोग तिथि त्यौहार पर नहाते थे अपना पूजा पाठ करने के लिए। इसके साथ हम लोग देख रहे हैं टेराकोटा, मतलब मिट्टी का बना हुआ पात्र या अन्य पदार्थ। चित्राक्षर लिपि में हम लोग देख रहे हैं ये मुहरे हैं। मुहरे कई प्रकार की हैं, आपके सामने दिख रही हैं। इनका कई उपयोग होता था, शिक्षण कार्य में इनका उपयोग होता था, व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था या कहीं पहचान के लिए, ताबीज के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। इसके साथ हम लोग देख रहे हैं पशुपतिनाथ वाली मुहर। इनमें देख रहे हैं 4 पशु हैं, चारों पशु आसपास बैठे हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बाईं ओर हाथी और बाघ है जबकि दाईं ओर गैंडा और आपका भैंसा है। ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है, इनमें 3 सींग बने हुए हैं इनके मुकुट में और ये अलथी पलथी मार के बैठे हुए हैं। सामान्य जगहों पर मिली हुई मातृ देवी की मूर्ति लगभग सभी स्थानों पर मिली है। इनको सामान्यतः उर्वरता की देवी के रूप में भी जाना गया है। इसी तरीके से हमको मिला है पुरुष धड़। पुरुष धड़ में हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका सॉकेट टाइप का बना हुआ है, इसमें हाथ और सर को जोड़ा जाएगा। पुरुष धड़ आगे की ओर झुकी हुई है और हम लोग देखे थे आभूषण। आभूषण हम लोग देखे थे स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे, लेकिन झुमके और पायल सिर्फ महिलाएं पहनती थी, बाकी कंठाहार, पट्टी, बाजूबंद, अंगूठियाँ इत्यादि पुरुष भी पहना करते थे। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तरी को। आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है और पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी कालीन सैंधव कालीन कला का। बहुत आसान सा है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बस एक बार हम लोगों ने इसका रिवीजन किया है और आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल जो कि गुजरात में स्थित है पुरातत्व स्थल की खोज कब हुई थी।
लोथल की खोज 1954 स्वतंत्रता के बाद में 1953-54 में हुई थी स्वतंत्रता के बाद, और इसको खोजने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा रंगनाथ राव का। रंगनाथ राव का प्रमुख योगदान रहा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है। इंडस वैली मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोगों ने भीलवाड़ा कोई जगह नहीं पढ़ा है, बाकी आपको हड़प्पा धौलावीरा और राखीगढ़ी मिल जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही है। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं। चित्र हम लोगों ने देखा कि ये बर्तन पे बने हुए हैं, बर्तन मतलब मृदभांड पे बने हुए चित्र हैं, बाकी पांडुलिपियाँ और भित्ति चित्र यहाँ पे नहीं मिली हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। 4 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। कागज तो था नहीं, कपड़े थे नहीं, दीवार पे था नहीं, पात्रों मतलब मृदभांड पे मिले हुए हैं। चलिए मित्रों आगे चलते हैं, और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपसे कि सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों देखा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगहों से इसकी कला का परिचय होता है, इसलिए उपरोक्त तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है। हम लोगों ने देखा लोथल गुजरात में स्थित है, मैप आप लोगों के सामने होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं लोथल गुजरात में स्थित है, और यह उस समय का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। इसकी खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव, 1953-54 दोनों मान्यताएं हैं, तो आप 1953 या 54 जो भी आ जाए, अगर 53 और 54 में 54 आ रहा है तो 54 लगाएंगे, अगर नहीं दे रहा है तो 53 लगा देंगे। चलिए मित्रों आगे चल रहे हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। दो पहिए वाली कांस्य की बैल 3 बैलगाड़ियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, मेसोपोटामिया और मिस्र से नहीं मिली हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसमें मुहरे पाई गई हैं। आदिकालीन सभ्यता में नहीं, वैदिक सभ्यता में भी नहीं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरें आपकी मिली हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 9 की ओर चल रहे हैं। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार से मिले अवशेष किसके हैं। सुव्यवस्थित नगर योजना के हैं, भित्र चित्र आपको नहीं मिलेगा, चित्रपट आपको नहीं मिलेगा। तो सुव्यवस्थित नगर योजना है, नगर ऐसे थे कि सड़कें एक दूसरे को चार मतलब 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं, और सड़क के दोनों तरफ नालियां बनी हुई थी पक्की ईंटों की। कुल मिला के सुव्यवस्थित नगर परियोजना थी। कहीं कहीं पे आप देख रहे हैं 2 प्रकार के नगर मिलते हैं, एक उछले नगर एक निचले नगर। उछले नगर पे जो प्रमुख लोग रहा करते थे और निचले नगर पे आम जनता रहा करती थी। 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायक रूप में प्रयोग में लाई जाती थी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबा उपयोग किया जाता था। अगर तांबा ऑप्शन में न होता, कांसा होता, तो सबसे ज़्यादा कांसा बनाया जाता था, कांसा के माध्यम से ही, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं स्वर्ण अष्ट धातु जस्ता नहीं था, तांबे का उपयोग किया जाता था सबसे ज़्यादा मात्रा में। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, जनरल कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष खोजा था। इन्होंने 1878 ईस्वी में हड़प्पा टीला का खोज किया था, और इन्हें ही भारत में पुरातात्विक खोज के रूप में इनका प्रमुख योगदान रहा है। चलिए मित्रों 12 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, हड़प्पन लिपि किस नाम से जानी जाती है। हड़प्पा लिपि आपका हायरोग्लिफ के नाम से जानी जाती थी। हायरोग्लिफ को
चित्राक्षर लिपि कहते हैं, चित्र और अक्षर दोनों होते हैं तो उसे हायरोग्लिफ कहते हैं। चलिए मित्रों, देखिए आपके सामने यहाँ पे थ्योरी दी हुई है। हायरोग्लिफ लिपि में क्या होता था, हड़प्पा लिपि एक बार दाएं से बाएं, दूसरा बाएं से दाएं, इस तरीके से चला करती थी। और इसमें कुछ भी नहीं है, अपना देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। और इसमें लिखा गया, अनेक पुरातत्वविद के अनुसार सिंधु लिपि द्रविड़ पूर्व मतलब प्रोटो द्रविड़ियन भाषा थी। चलिए मित्रों आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र हड़प्पा धोलावीरा नहीं, हड़प्पा पाकिस्तान में है और धोलावीरा गुजरात में है। लोथल गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी बचता है आहड़, और आहड़ आपका राजस्थान में मिलता है। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, कौन सी साइट हॉर्स पेस्टल्स हॉस्ट पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है। तो सुरकोड़दा है वो हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों के रूप में दिखाई पड़ती है। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, लोथल और कालीबंगन दोनों कहाँ पे स्थित हैं। तो लोथल गुजरात में, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, तो इसलिए गुजरात नहीं होगा। मौर्य काल से पहले के स्थल नहीं होगा, अति प्राचीन काल के प्रसिद्ध स्थल नहीं होगा, हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल या कांस्युगीन सभ्यता के स्थल के रूप में हम लोग जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता की प्रोटो शिवशील शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है, बात सही है। और कह रहा है, ये तथ्य सिंधु घाटी की लिपि से प्राप्त सूचना से ज्ञात होते हैं, ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 17 की ओर चल रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मृद भांड मतलब मिट्टी का जो बर्तन है, कि मिट्टी खारन बालू मिट्टी पर आधारित है, जिसे पारंपरिक रूप से घरेलू मदों में प्रयोग किया जाता है। सही बात है, घरेलू रूप से इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्योंकि इससे हमें लाल सफेद और पांडु रंग प्राप्त हुए हैं, पांडु रंगों में प्राप्त करते हैं। ये आपका ये भी आर भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी में ए और आर दोनों सही है। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 18 की ओर चल रहे हैं। 18 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, हड़प्पा कालीन मुहरों पर तीन सींग वाले योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान किसके रूप में हुई है। रुद्र के रूप में नहीं हुई, महायोगी नहीं, तपस्वी नहीं, पशु और पशुपतिनाथ के रूप में इनका पहचान किया गया है। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है। श्रीलंका में नहीं है, हड़प्पा आपका मतलब रावी नदी के तट पे पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, दिए गए विकल्पों में पहचान करें। हड़प्पा सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना की थी, कांस्य मूर्तियां थी, टेराकोटा थी, महान स्नानागार था, लेकिन इन सब में था नगर नियोजन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें नगर नियोजन याद करके जाएंगे तो सही करके आएंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, हड़प्पा का संबंध किससे है। हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। मिट्टी के बर्तनों पर लाल और काला दोनों रंग का प्रयोग हुआ है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लाल रंग और काले काले रंग से उसमें चित्रांकन किया गया है। तो सफ़ेद और पीला तो वैसे कट जाएगा, लाल और काला में कन्फ्यूजन रहेगा, तो सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो जब लाल दिया है तो काले को हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि काला कम मात्रा में, लाल ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है। मेसोपोटामिया नहीं, कालीबंगा आपका ये राजस्थान में है, और चंद्रहूदड़ो ये भी भारत में है, लेकिन हड़प्पा कालीन हड़प्पा इसमें भी देखिए सब गलत होगा, ये उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कौन सी सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से
ये जानी जाती है। कालीबंगा और चंद्रहूदड़ो कोई सभ्यता नहीं थी, मेसोपोटामिया सभ्यता आपकी थी। तो कालीबंगा चंद्रहूदड़ो इस तरीके से गलत हो जाएगा, और मेसोपोटामिया आपका तो दूसरी सभ्यता है ही, तो ये नहीं है, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, पुरातत्विक स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है और उस समय का प्रमुख बंदरगाह लोथल हुआ करता था। यहाँ से घोड़ों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यतावासी आपका इंद्र, वरुण और ब्रह्मा की पूजा नहीं करते थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पशुपति की पूजा की जाती थी और मातृदेवी की भी पूजा की जाती थी। देखिए आप लोग कंफ्यूजन न पड़िएगा, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु इन सब की पूजा नहीं की जाती थी। ठीक, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई? पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया और यही पहली बार इनका प्रयोग किया गया। 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, लोथल और कालीबंगा दोनों कहाँ पे स्थित है? लोथल आपका गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। ये प्रश्न पहले भी हो चुका है और इसका उत्तर हम लोगों ने सी लगाया था, हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में। चलिए मित्रों 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मोहन जोदड़ो तथा हड़प्पाई हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ पे स्थित हैं? ये दोनों आपका पाकिस्तान में स्थित है, मोहन जोदड़ो और हड़प्पा। ये सिंधु नदी के तट पे और ये रावी नदी के तट पे स्थित है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 29 आपके सामने, कह रहा है पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो पुजारी की मूर्ति आप देख रहे हैं ये सिंधु घाटी से प्राप्त हुई, माड़ा घाटी, माड़ा से नहीं प्राप्त हुई थी, और बराक घाटी, बागेश्वर इन सब से नहीं प्राप्त हुई। 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत क्या है? इनके बारे में हम लोग देखते हैं, सिक्के तो हैं ही, अभिलेख भी हैं, पांडुलिपियां नहीं, सिक्के अभिलेख, अभिलेख और पांडुलिपियां नहीं है, अभिलेख कहीं नहीं मिले हैं और पांडुलिपियां भी कहीं नहीं मिली, लेकिन सिक्के मिले हैं, सिक्के क्या मोहरे हैं, लेकिन पुरातात्विक उत्खनन सबसे ज़्यादा इसमें काम करते हैं। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो सकता है ए और डी के बीच में, लेकिन डी सही माना जाएगा क्योंकि ये बड़ी चीज़ है पुरातात्विक उत्खनन। सिक्कों के माध्यम से ही सिर्फ सिक्कों के माध्यम से सब कुछ नहीं जाना जा सकता है, लेकिन पुरातत्व के उत्खनन से आपको सिक्के, मन के मूर्तियाँ और टेराकोटा इत्यादि चीज़ें आपको मिली हुई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो अजंता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी और खजुराहो तो बाद की सभ्यता, मतलब बाद की यहाँ पे मंदिर बनने लगे, और महाबलीपुरम ये भी आपका बात की चीज़ें हैं। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। 33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 33 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं राखल दास बंदोपाध्याय सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का नहीं है? तो लोथल है, बनवाली है, कालीबंगा है, गिरिनगर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 35 नंबर प्रश्न, लोथल कहाँ पे स्थित है? लोथल आपका भारत में स्थित है, गुजरात में। 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 36 सभ्यता से प्राप्त पूर्व परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पे दो नगर ऐसे हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है, हड़प्पा और सिंधु घाटी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए 37 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सैंतीस नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या है? तो
तो इसके अवध के बारे में तो देखिए, हमने आपसे बताया कि कन्फ्यूजन काफ़ी है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है 2875 से 1150, तो ये तो गलत हो जाएगा। 1150 नहीं हुआ, 4000 तो ये सब नहीं है। ए इसमें लगा सकते हैं, अगर 3000 से 1800 1900 दिया होता तो यहाँ पे तो कह रहा है कोई भी नहीं है। तो देखिए 3200 से 1725 1750 यही सब माना जाता है। देख लीजिएगा एग्जाम में जैसा भी रहे ऑप्शन लगा दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीले किस माध्यम से बनाई गई थी? तो ये टेराकोटा माध्यम से बनाई गई थी। टेराकोटा में पकी हुई मिट्टियों को टेराकोटा कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ पे मिला है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिला हुआ है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो सिंधु सभ्यता से ही प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी से प्राप्त मुहरें किससे बनी हुई हैं? तो ये आपकी मिट्टी से बनी हुई हैं। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की पूजा किया करते थे। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। सबसे पहले इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी, 1921 में, जबकि कनिंघम ने 1857 में इसकी खोज कर दी थी, 1887 में, 1887 में। ठीक है, देखिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी काल का है। 46 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों के उपयोग के लिए, लघु चित्रकारी, गुफा ये सब नहीं किया हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? ये दोनों गुजरात में स्थित है, भारत में। 48 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सार्वजनिक स्नानागार है, पकी हुई मिट्टियों का उपयोग है, बौद्ध मंदिर बाद में आया 6वीं शताब्दी में। चलिए 49 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत सिक्के हैं, अभिलेख? यही प्रश्न फिर से आया है और इसका जवाब फिर से वही हो जाएगा, पुरातात्विक स्थल। चलिए 50 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों का क्या उपयोग होता था? मुहरें कभी शिकार के लिए उपयोग होती हैं क्या? खेल के लिए नहीं, सजावट के लिए नहीं, व्यापार? सही जवाब, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब। 51 नंबर प्रश्न अभिकथन और तर्क का है, सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग प्रायः टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ये सही है, क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ है। गलत है, मोल्ड बनाते थे, सबसे पहले मिट्टी का एक ढांचा तैयार करते थे, उसमें मोम भरते थे और मोम से एक मतलब कि मूर्ति बनाते थे, उसके चारों तरफ मिट्टी बनाते थे, मिट्टी लगाते थे और उसके बाद उसको पिघला देते थे, तो मोम पिघल जाता था, फिर रिक्त स्थान बनता था तो उसमें धातु को पिघला के डालते थे। तो ये मोल्ड टेक्निक थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका मूर्तियाँ बनी हैं वो टेराकोटा माध्यम से बनी हैं। चलिए लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? लोथल हड़प्पाई बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 53। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, लोथल और कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? ये हम लोगों ने तीसरी बार ये प्रश्न देख रहे हैं और इसका जवाब तीसरी बार भी वही होगा, हड़प्पा कालीन स्थल। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? तो सिंघनपुर आपका ये प्रागैतिहासिक काल का स्थल है, बाकी सब आद्य ऐतिहासिक स्थल है। चलिए 55 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो इसमें हम लोग देखते हैं लोथल गुजरात में, हड़प्पा पाकिस्तान में, आहड़ आपका राजस्थान में है, धौलावीरा गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा,
56 नंबर प्रश्न कह रहा है पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ पे स्थित है, तो हम लोगों ने देखा ये गुजरात में स्थित है और ये मतलब कि अभी लेटेस्ट में ही इसको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। चलिए 57 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता काल का अस्तित्व कब से है, तो देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन है लेकिन यहाँ पे 2500 से 1700 मान लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे 2800, 3200, 3000 माना गया है। कुछ भी हो तो आप लोग इसी हिसाब से अपना आंसर लगा दीजिएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा ईसवी और ईसा पूर्व में ध्यान दे दीजिएगा, कहीं कहीं ईसा पूर्व और ईसवी में भी आपको गोला मार देगा। 58 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई, टेराकोटा आकृतियों की गई, मुहरों की गई,